वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ये चेहरा न्यू लग रहा होगा, अभी अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है ये यूट्यूब पे। तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मेरा नाम फ्रूटी है और मैं इस मुल्ताई शहर में रहती हूँ। आज हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। ये है मेरी छोटी बहन, ये भी मुल्ताई में रहती है। हम सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। ये है उसका छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई, और ये है मेरा भाई, ये है मेरा छोटा भाई, और ये है मेरी मौसी, और वो मम्मी, और ये नानी। तो आज हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। तो अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब हमें दूसरे स्टेशन पे जाके ट्रेन को चेंज करना है। हम यहाँ आमला स्टेशन पे बैठे हैं, हमारी ट्रेन 1.5 घंटे बाद है, हमें 1.5 घंटे तक जगना पड़ेगा। और ये सब मस्ती करने में लगे हुए हैं, खासकर ये ट्रॉली से मस्ती कर रहा है। ऐसे हमारे बैग्स भी पहुंचा देना ट्रेन में, कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट नाउ वी आर इन जबलपुर, अब हम निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए। अब मुझे बैग्स कैरी करने पड़ेंगे, नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट। हम यहाँ हमारे मामा के क्वार्टर में रुके थे, रेलवे क्वार्टर में। अब हम जा रहे हैं चित्रकूट। ऑटो आ गया है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। डब्बू, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अभी हम यहाँ मामा के क्वार्टर में आए थे। अभी हमने रेस्ट किया रात में, बहुत रात तक के जगे थे। रात में ट्रेन थी हमारी, उसके बाद में फिर हमने रेस्ट किया। अभी हम जा रहे हैं चित्रकूट, कल सुबह पहुंचेंगे। अभी और रात में जगना है। ये है मेरे मामा, ये पूरे बैग्स ला रहे हैं। नानी मौसी जल्दी आओ। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, बैठ चुके हैं ट्रेन को। बस 2 मिनट है छूटने के लिए। मिस जी, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में ये मामा भी आ चुके हैं, इन्हीं के क्वार्टर में हम रुके थे। अब हम सब जा रहे हैं चित्रकूट। हेलो, हेलो। अब आ गए, फिल्टर लगा के। ये नानी नहीं आई, बीच में डिस्टर्ब मत कर। तो अब हमारी ट्रेन छूट चुकी है, ट्रेन छूट गई है। ये मामा ने 2 मिनट पहले लाई ट्रेन में बैठने के लिए। ये संगीत संगीतकार भाई है तानसेन। ओए ऊपर देखो, हेलो बोलो, हेलो, हाय करो, हाय करो, हाय कर दो, हाय कर दो। इनका तो फ्रूटीज पीने में लगा हुआ है जी। अब ट्रेन हमारी छूट चुकी है, हम कितने बजे पहुंचेंगे? 10:30 बजे, मतलब फिर से आज पूरी रात जागना पड़ेगा 10 बजे तक। हमने रेस्ट कर लिया था, 10:30 बजे तक जागना पड़ेगा। ये है मौसा जी। सो गाइस, फाइनली हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं। हम सब चित्रकूट पहुंच चुके हैं बड़े ही ट्रेन में सफर काटने के बाद। ट्रेन में बहुत बैठ बैठ के थक चुके हैं, अब हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ चित्रकूट में पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ होटल बुक करा है, दूसरा चेंज करा था। ये है मामा, अब हम रेडी है, सब रेडी, 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 उधर भी रेडी करवाओ। रेडी हुए क्या? हम सब यहाँ रेडी हैं, बाकी यहाँ। अरे जल्दी जल्दी रेडी हो, जहाँ घूमने जाना है। मेरी कैप का है, सब रेडी हो जाओ जल्दी से। मेरा चश्मा भी लेना है। प्रीतिमा से जल्दी रेडी। जाएंगे हम घूमने। अब हम रेडी है, अब हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे? ऑटो वाले भैया ले जाएंगे सारी जगह घूमने। रेडी, चलो मामा। रेडी, 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 रेडी। ये सीताराम जानकी कुंड है, यहाँ पे श्री राम भगवान के चरण है। उधर नहीं जाना बेटा, गिर जाओगे। जानकी कुंड है। अभी हम गुप्त गोदावरी में आ चुके हैं। यहाँ से पानी भी है। कन्ना, कन्ना।
बार इसके लिए हाँ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे भेजो थोड़ा थोड़ा रोक के सही काम करें। तो अब हम ये गुफा क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। बहुत ही मुश्किल से हमने ये गुफा क्रॉस करी और एक तो बहुत गर्मी भी है। हाँ कूलर की हवा में खड़े हैं, ठंडी ठंडी कूलर की हवा आ रही है। राम दरबार गुप्त गोदावरी में गुफा के अंदर ये मंदिर में आ चुके हैं। ये मंदिर है गुफा के अंदर, मूर्ति से बोल रही हो? ये गुफा के अंदर ये मंदिर है। अब हमें यहीं से रिटर्न जाना है। सबकी बन गई है। यहीं से वही जलधारा जा रही है बाहर, जो बह रही है। आ जाएंगे ना, आ जाएंगे सब। अब हम जा रहे हैं रिटर्न ये केव से। बहुत ही छोटी सी केव है, रास्ता भीड़ भी कम हुई। तो गुफा में से आने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा खुला खुला अच्छे से ब्रीथिंग हो रही है। अब गुफा में से अंदर आए हैं हम अभी फाइनली खुली हवा। संगीतकार भाई रोते ही रहता है। मिस्सी आप गई थी वहाँ पे, अंदर मंदिर था और ये जो है ये गुफा के अंदर डर गई थी कि इतनी पतली सी गुफा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, बार बार बोल रही थी ये वहाँ पे, ये पूरी की पूरी डर गई थी वहाँ पे। अभी बात करना। ये बड़ी अच्छी लड़की शांति से चली एकदम, इसकी तस्वीरें डरी। और ये मौसी, ये तो भाई तो रोने ही लग गया था। फाइनली पहुंच गए, अब बाहर आ चुके हैं। गुफा देख ली, हम घूम चुके हैं, अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं। भूख लग गई थी, खासकर इसको बहुत बोल रही थी है। डब्बू को क्या चाहिए था, क्या क्या देख के आए सौरभ मामा, क्या क्या देख के आए अपन? अब हम यहाँ के अनुसुईया माता मंदिर आए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है शायद, आई डोंट नो कितना बड़ा है, जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हर जगह बस मंकीज दिख रहे हैं। श्री परमहंस आश्रम अनुसुईया चित्रकूट, पहाड़ी के पास बना है ये। मंदिर को घूम के, यहाँ पे अंदर ना हर जगह बस रिस्ट्रिक्शंस लगे आए हुए हैं, फोटो मत लो, ये मत लो, और मस्ती मत करो, दौड़ो मत, भागो मत, फिर फ्रीडम है ही नहीं, घूमने ही नहीं देते अच्छे से। वो पंडित लोग हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, जहाँ भी मंदिर में जा रहे हो वहाँ देखो नहीं देखो। ये मंदाकिनी नदी है, बहुत बड़ा मंदिर है बट उसमें छोटे छोटे मंदिर है उसके भी अंदर, और हर जगह बस मूर्ति मूर्ति है।
अब हम भरत कूप में आ चुके हैं। भरत कूप है, यहाँ पे भरत जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत गिर चुका था प्राचीन मंदिर, तो अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी न्यू बनवा रहे हैं इस मंदिर को फिर से। बहुत पुराना मंदिर था, गिर चुका था, तो भरत जी का मंदिर है यहाँ भरत कूप में। ये भरत कुंड है, भरत कुंड है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं हनुमान धारा में। अभी हमें इसके ऊपर मतलब वहाँ मंदिर पे जाना है। अब हम वहाँ जाएंगे दर्शन के लिए। तो हम लिफ्ट से आए हैं ऊपर, फेंकने वाली थी तो याद है कि ऊपर आ चुके हैं। अब अपन अभी रुकेंगे, अपन लिफ्ट अभी रुकेंगे यहाँ। वो तो कहीं पर भी उधर जाओ, यहाँ तो उतर जाओ। नहीं नहीं, सो फाइनली वी आर इन रामघाट। अब हम आखिरी स्थान घूमने आए हैं। ये छुट्टी बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ का नजारा, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लग रहा है, ये सबसे बेस्ट लग रहा है, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे तो, ये और गुफ्त को जैसे लग रहा है, नदी है ना इसीलिए। तो अब हम यहाँ लास्ट आ चुके हैं राम दर्शन, राम घाट दर्शन के लिए। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यही सबसे अच्छी जगह लगी मुझे तो, मस्त एकदम नदी में नाव में बैठ के सब कुछ मस्त व्यू आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा फीलिंग भी आ रही है। तो फाइनली हम चित्रकूट घूम चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग धारकुंडी के लिए निकल रहे हैं। धारकुंडी के लिए निकल रहे ले ली ना मैंने मेरी ली। हाय गाइस, तो अब यहाँ पर हम चित्रकूट आए थे और यहाँ पर दिन का चित्रकूट पर हम लोग रुके हुए थे। अब हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं धारकुंडी के लिए। नीचे नीचे करो नीचे। अब हम निकल रहे हैं धारकुंडी के लिए ऑटो से। बोलो बोलो गाइस, तो हम धारकुंडी पहुँच चुके हैं। अब अगला पड़ाव हमारा धारकुंडी के लिए है। यहाँ पर एक बढ़िया सा कुंड है जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, साथ में सभी लोग हैं। ये बच्ची को देख लीजिए, ये भी बहुत मस्ती कर रही है और ये बहुत सीधा बैठा, जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन ये बहुत सीधा बैठा आया हुआ है। और एक बच्चा जो है वो बहुत रोए जा रहा है। इधर देखो, इधर देखो, वो क्या दिख रहा है? तो धारकुंडी का पीक दिखा दो। अभी हम वहाँ से जाएंगे, चलते हैं अब उधर से जाना है। संगीतकार भाई हमेशा गाना ही गाते रहते हैं उनका। फोटो वोटो ले रहे हैं यहाँ पर, जल्दी रोक। अब हम यहाँ धारकुंडी जा रहे हैं, बहुत मस्त फोटो डाल, कितना बढ़िया व्यू है, एकदम मस्त जगह है, ठंडा। तो हमने चित्रकूट के दर्शन कर लिए है, सभी जगह घूम लिए हैं। तो अब हमारी ट्रेन छूट चुकी है, तो अब हम यहाँ दूसरी ट्रेन को वेट कर रहे हैं 2 घंटे लेट। मानिकपुर में धारकुंड के भी दर्शन करे, यहाँ आइसक्रीम भी खा रही है लोग। तो बस डब्बू हेलो बोलो। अब हम रिटर्न जा रहे हैं जबलपुर। कितने बजे पहुंचेंगे? 10:30 बजे रात को। तो अब हम क्वार्टर में रिटर्न आ चुके हैं, रात को हमारी 2 बजे ट्रेन आई। हमें बहुत मज़ा आया चित्रकूट में घूम के, हमने बहुत मस्ती करी, ट्रेन से गए, ट्रेन से आए, वहाँ थक तो गए लेकिन हमें बहुत, वहाँ पे रुके फिर रेस्ट किया, वहाँ पे हम बहुत सारी जगह गए, बहुत मज़ा आया घूम के हमें। हम वहाँ पे गुप्तागिरी मंदिर, गुप्त गोदावरी मंदिर, धारकुंड, रामघाट का कामधिनी मंदिर, अनुसुईया मंदिर, बहुत सारी जगह, बस भगवान जी की हनुमान धारा में हम ऊपर से चढ़े थे, लिफ्ट से गए थे, रात हो गई थी, तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ। तो फाइनली हम मुल्ताई के लिए निकल रहे हैं। अब हमने सारी हमने बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं, हम भाग भाग के आए। अभी हमें लग रहा था कि हमारी दूसरी ट्रेन मिस ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले एक और ट्रेन की वजह से हम 2 घंटे रेलवे स्टेशन पर रुके थे। तो
हम भाग भाग के हमें फिर सीट खाली मिल गई। अब भागने का भी अलग ही मज़ा है ट्रेन में, इतने भाग मतलब सब भाग रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। मज़ा भी आता है उसमें, लेकिन डर भी रहता है कि जगह मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब हम पहुंच चुके हैं, थक भी चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे घर रिटर्न, और फिर वहाँ से डोकरगढ़ जाएंगे हम। ये जाएंगे इसके घर, हम जाएंगे मेरे मतलब मैं जाऊँगी मेरे घर। तो अब हम कल सुबह पहुँचेंगे मुलताई हमारे घर, कल सुबह 5 बजे। तो फिर यही रहा हमारा विजिट।